My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you're well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने स्टडी करना है 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर कंपनी और हमारा टॉपिक है आज का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी की स्थापना से पहले, कंपनी की फॉर्मेशन से पहले कंपनी के प्रमोटर्स को करने पड़ते हैं। यस, ये एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। ये कंपनी की फॉर्मेशन के लिए फॉरमोस्ट एक्सपेंसेस हैं जिन्हें किया जाना जरूरी है, इसके बिना कंपनी की स्थापना नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों, इन एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है ये बातें गौर करने वाली हैं। इन एक्सपेंसेस में किन किन को कंसिडर किया जा सकता है, इन पांच बातों को मैं बताने वाला हूँ जिन्हें यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में कंसिडर किया जाता है। नंबर एक है एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट। आपको तो पता है कि कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013 के रजिस्ट्रेशन के कारण ही होती है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट कराने पड़ते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमें टाइप कराने पड़ते हैं, जो फॉर्मेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, उन सब की प्रिपरेशन पर जो खर्च आता है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इसीलिए उन सब का खर्चा जो है हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मान लेते हैं, उन्हीं सभी को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो नंबर वन आपको क्लियर हो गया, ये सारे वो खर्चे हैं मेरे बच्चों जो कंपनी की स्थापना के लिए वेरियस डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किए जाते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट टाइप कराने पड़े, चाहे वो डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करवाने पड़े, या फिर किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो सरकार की तरफ से मिलता है या रजिस्ट्रेशन कार्यालय से मिलता है उसको भरकर हमें देना पड़े। क्या दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार कराए हैं, इन डॉक्यूमेंट को तैयार कराकर हो सकता है कि किसी एक डॉक्यूमेंट पे कोई स्टाम्प ड्यूटी भी लगती हो, कोई फी भी लगती हो। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो एफिडेविट के रूप में स्टाम्प पेपर पर लिखे जाते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा कोई भी अगर इन डॉक्यूमेंट के ऊपर आता है वो, कोई रजिस्ट्रेशन फीस आ जाती है वो, इन सभी को करना बहुत अनिवार्य होता है क्योंकि ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इसके एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, इनके बिना कंपनी की स्थापना नहीं हो सकती है। तो इस स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा, रजिस्ट्रेशन फीस का कोई खर्चा या कोई लीगल फी हमने कोई भरी है इससे अतिरिक्त भी, तो वो सारी फीस जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में मान ली जाती है। तीसरी कौन सी बात शामिल है, ड्यूटी पेएबल, कोई ऐसी फीस जो ऑथराइज कैपिटल पर हमने लेनी हो। जी हाँ, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या होती है पहले ये बता दो। कंपनी की वो मैक्सिमम लिमिट होती है, कंपनी की वो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है जो पूरे एंटायर लाइफ में कंपनी इशू कर सकती है, और उसी से वो रॉ मटेरियल की व्यवस्था करती है, उसी से वो फिक्स एसेट का निर्माण करती है। तो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए और कंपनी की फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए जो मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट है फॉर होल लाइफ, वो है ऑथराइज कैपिटल, ये रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, और इस पर कंपनी का रजिस्ट्रार, जी हाँ कंपनी का रजिस्ट्रार इस पर कुछ ड्यूटी चार्ज करता है, वो लीगली वो चार्ज करता है, और इसे भी हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में मान लेते हैं क्योंकि ये खर्चा भी कंपनी की स्थापना से पहले किया जाना जरूरी है, जो प्रमोटर के द्वारा किया जाएगा, और प्रमोटर को इस खर्चे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में डालने का राइट है। नंबर चार, कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स, कोई ऐसी बुक्स जो हमें कंपनी की स्थापना से पहले रखनी पड़ी हो, क्योंकि कैश खर्च होता है, डॉक्यूमेंट बनते हैं, कैश हमें पे करना पड़ता है, उन सब का हिसाब किताब रखना पड़ता है। हो सकता है डे बुक रखी हो सकता है छोटी मोटी पेटी कैश बुक रखी हो या कैश बुक बनाई हो, तो उससे पहले कोई ऐसी बुक्स जो हमें रखनी पड़ी थी, कोई भी ऐसी बुक्स जो हमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले हमें रखनी पड़ी थी, वो सारी की सारी बुक्स हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के खर्चों के अंदर कंसिडर, उनकी कॉस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर कंसिडर की जाएगी। नंबर पांच, इन केस ऑफ कंपनी हैज बीन फॉर्मड टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, मान लीजिए कंपनी कोई चला चलाया बिजनेस खरीदती है, अब वो कंपनी क्यों चला चलाया बिजनेस खरीदेगी, तो फ्री में तो वो बिजनेस मिलने वाला है नहीं, उस बिजनेस की कोई ना कोई कॉस्ट तो वो पे करेगी, इसके लिए किसी अकाउंटेंट को, किसी वैल्यूअर को वो लगाएगी ताकि उसकी कॉस्ट, उसकी एसेट, उसकी लायबिलिटी का निर्धारण कर सके, जिससे उसको नेट वर्थ कितने की मिल रही है, अर्थात कंपनी को चला चलाया बिजनेस एसेट में से लायबिलिटी घटाने के बाद हमें मिलती है नेट वर्थ, नेट वर्थ में वो बिजनेस कितने का पड़ रहा है, इसके लिए कोई अकाउंटेंट को कोई पैसा देना पड़े वो फी, या फिर वैल्यूअर को कोई जो वैल्यू लगाते हैं एज पर जो ऑथराइज होती है वैल्यूअर लगाने वाले, जी हाँ उनके से नेटवर्क निकालने के लिए जो भी फीस इनकी बनती है, चाहे अकाउंटेंट की बनती है चाहे वैल्यूअर की बनती है, वो सारी की सारी फीस जो है हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में कंसिडर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की स्थापना के लिए कंपनी का बिजनेस शुरू होने से पहले किए गए एक्सपेंसेस हैं। आपको तो पता है नई कंपनी का फॉर्मेशन ही रनिंग बिजनेस को परचेज करने के लिए हो रहा है, तो ये जो परचेज करने के लिए हम वैल्यूअर को फीस दे रहे हैं या अकाउंटेंट को फीस दे रहे हैं,
तो ये सारी फीसें प्रिंसिपल एक्सपेंसेस के रूप में कंसिडर की जाएंगी। अब जो नोट करने वाली बात यहाँ पर है वो ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जी हाँ, कंपनी एक्ट 2013 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि ये सारे एक्सपेंसेस जो आपके हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपनी को अपने शेयर बेचने पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है तो उससे जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना है उसमें जो भी पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हीं खर्चों को रिटर्न ऑफ करने में, इन्हीं खर्चों को खत्म करने में, इन खर्चों को रिटर्न ऑफ करने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो एब्सेंस है, अगर कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में एक प्रकार का पूंजी लाभ होता है, ठीक है, एक प्रकार का कैपिटल रिजर्व होता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई रिजर्व अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में उसी वर्ष के, जी हाँ, उसकी एब्सेंस में उसी वर्ष के सेम वर्ष के लाभों में से भी इसको रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।